न्यू डे न्यू स्टार्ट, जैसे कि हर्ष बोलता है। आज हम जाने वाले हैं स्कॉटिश हाईलैंड्स पे, और स्कॉटिश हाईलैंड्स पे जाने के लिए हमें चाहिए थी कार। तो क्योंकि आपको पता ही है कि कार का रेंटल यहाँ पे 4 लाख रुपए बता रहा था कोई पावला हमको, हमने डिसाइड करा कि गाड़ी खरीद ही लेते हैं। रेंटल देने से तो अच्छा उतने प्राइस में गाड़ी ले आएंगे। वेल डन। हमारी गाड़ी लेने के लिए गया है हर्ष, अभी आता ही होगा, फिर दिखाते हैं आपको हमारी गाड़ी जो हमें बहुत घुमाने वाली है, पूरे स्कॉटिश हाईलैंड्स दिखाने वाली है फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। आई एम वेरी एक्साइटेड, आप लोग भी एक्साइटेड हो जाओ क्योंकि बहुत ही स्टनिंग चीजें देखने को मिलने वाली है। सारे व्लॉग्स एंड तक देखना। तो लेट्स गो गाइस, आपको लेके चलते हैं अपनी गाड़ी के टूर पे। तो ये है हमारी न्यू कार, हमने नई किया ले ली है और जा रहे हैं अब इस किया में बैठ के। हर्ष गया एक और लगेज का बैग लेके आने। ये हमारी गाड़ी है, सारा सामान अरेंज हो रहा है, इतना सामान है कि ऐसे लग रहा है यहीं पे घर बसाने वाले हैं। वैसे बसा भी रहे हैं एक्चुअली। बाय बाय होटल। हर्ष तू चला लेगा ना गाड़ी? अरे बिल्कुल दौड़ाऊंगा हमारी नई गाड़ी। ये यहाँ मैंने अपना लैपटॉप रख लिया है क्योंकि वीडियो डालनी है, पोस्ट करनी है। यहाँ हमारी गाड़ी पूरी सेट हो चुकी है। ये हमारा टेस्को से जो हमने खाने का सामान लिया था। चलो फिर बैठते हैं यार। तेरे को तेरी नई गाड़ी कैसी लगी? यार बहुत औसम लग रही है यार, पर मुझे फॉर्च्यूनर की याद आ रही है। बात तो सही है वैसे। नो डाउट हमारी नई गाड़ी किया मुझे बहुत पसंद आई। चलाते हैं इसको, निकलते हैं, भूख लग रही है, बैठ के खाते हैं, वीडियो पोस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। स्टार्ट तो अच्छी हुई है, 9 बजे शुरुआत करिए, देखते हैं हाईलैंड्स कब तक पहुंचते हैं। लेट्स गो। और यहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन सेट हो चुकी है, काइल जा रहे हैं हम, डेस्टिनेशन सेट हो चुकी है। वीडियो डाल दी है, अभी ब्रेकफास्ट हो जाए। ब्रेकफास्ट करते हैं हाईलैंड्स में कहीं पे, आराम से गाड़ी रोकेंगे शांति से और वहाँ बैठ के चिल मार के ब्रेकफास्ट करेंगे। तू हाईलैंड्स का वेट कर, मैं तो अभी सैंडविच ग्रैब करूँ, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। यार गाड़ी रोक के साथ में खाएंगे ना? हर टाइम ऐसे करता है, जब मेरा मन होगा ना तब नहीं खाना होगा। अभी मैं कह देती कि नहीं मुझे नहीं खाना, तो कहता अभी खा। हर बार उल्टा ही क्यों जाता है तू मुझसे यार, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? व्यू बहुत अच्छा लगेगा। प्रेरणा ये क्या हो रहा है यहाँ स्कॉटलैंड में? पंजाबी एफएम चल रहा है। अभी तो वो गाना आ रहा था, रांझण के यार बुलिया, कभी हिंदी कभी पंजाबी, फुल फन यार, फुल फन भाई साहब, ये तो सोचा ही नहीं था। और बारिश भी शुरू हो गई, तेरी बेस्ट फ्रेंड, आई हेट योर बेस्ट फ्रेंड हर। तेरे को तो बहुत पसंद थी मेरी बेस्ट फ्रेंड, आजकल मुझे बहुत नापसंद हो गई है हर रोज यार। वैसे मुझे ज्यादातर हर्ष के सारे दोस्त पसंद है, बट ये वाली दोस्त बेस्ट फ्रेंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आजकल। चली जा बारिश, चली जा। पहली ब्रेक ले ली है अपने ब्रेकफास्ट के साथ, बाहर जा रहे हैं और व्यू के साथ करेंगे अब ब्रेकफास्ट। क्या व्यू है यार, ब्यूटीफुल यार, क्या ब्यूटी है यार, कहाँ खड़े हैं हम। अच्छा पार्किंग में पार्क करना पड़ता है यहाँ पे प्रॉपर। बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी ग्रीनरी, कोई पोल्यूशन नहीं है। पोल्यूशन नहीं है, बस ठंडी ठंड। आज हमने ब्लैक ब्लैक पहना है ना, वो फील आ रही है मुझे, हमको हमें से चुरा लो। उसमें ब्लैक पहनते हैं। दिल में कहीं तुम छुपा लो। आ डांस करा मुझे यहाँ। तो हमारी गाड़ी के दोनों तरफ शीप्स ही शीप्स हैं। हर्ष कैसा एक्सपीरियंस है? यार ड्राइविंग में तो बहुत मजा आ रहा है, सीरियसली बता रहा हूँ। एक तो ना सबसे कंफर्टेबल बात पता है क्या यहाँ की, यूके की? क्या भाई, इंडिया वाला हिसाब है कि वहीं पर ही बैठ के आप ड्राइव कर रहे हो, उसी हिसाब से राइट साइड ड्राइविंग है ना। हाँ इतना प्रॉपरली मैनेज्ड है सब कुछ भाई, मजा आ रहा है। जीपीएस ये हमें सारी लाइंस वाइंस बता रहा है किस लेन में जाना है किस लेन में नहीं जाना। मुझे तो सबसे अच्छी इनकी वाइल्ड लाइफ लग रही है यार, जो बाहर ऐसे गायें भैंसे शीप्स चल रही। भाई मैं तो मानती हूँ जो बंदा इंडिया में ड्राइव कर सकता है ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में ड्राइव कर सकता है। इतना इजी इनका मैप है, बस फॉलो करते रहो आराम से पहुंच जाओगे। हम भी पहुंचते हैं। प्रेरणा याद है हमारी स्टार्टिंग का टाइम, जब हम ऐसे बाहर घूमने आते थे, गाड़ी रेंट करते थे, कितना डरते थे ना। हमारा चलान भी बहुत होता था सही में, बट अब यार मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार हम ड्राइव कर सकते हैं, बस रूल ही तो फॉलो करने हैं। यार ऐसे व्यूज के लिए तो बनता है यार। मुझे वो गाना याद आ रहा है, कहो ना प्यार है का, ना तुम जानो ना हम। और दूसरा ब्रेक, और ये ब्रेक इसलिए क्योंकि मुझे कॉफी पीनी है। बहुत ही सुंदर व्यूज है यार, जहाँ भी जिस साइड भी देखो ना, इनक्रेडिबल व्यूज हैं। और यहाँ धूप भी अच्छी आ रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इतनी ठंड के बाद एकदम से धूप। वैसे मैं ब्रेक लेना चाहता नहीं था, बट प्रेरणा के साथ ड्राइव करो तो आपको ब्रेक लेने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे कॉफी पीनी होती है। आपकी जान खा जाएगी, पूरे रास्ते परेशान करेगी, उल्टे पुल्टे हाथ मारेगी एफएम पे ये वो, तो इससे बढ़िया कि आप रुक जाओ। छोड़ो मुझे कुछ कहना ही नहीं है यार, मुझे बार बार वही गाना याद आ रहा है, हमको हमें से चुरा लो। मैंने पहनी भी ऐसे लॉन्ग ड्रेस है ना यहाँ पे आज। एक दो फोटोज तो खींचते यार। चुपचाप चल, चलो भाई बढ़िया हो गया, क्लोज है, ताफ ही नहीं अगलों के पास। अपनी कॉफी लेके चलनी चाहिए ना घर से, लेके भी आए थे रात को, पर बंदी को भूख इतनी लगी कॉफी पी गई। आ,
ये देखिए संभली नहीं जा रही। बाहर और बंदे आए हैं, कैफे ढूंढ रहे हैं। हर्ष ने बता दिया कि बंद है, हमारा भी पोपट हुआ है, तुम्हारा भी होगा। थैंक्स फॉर द बैग। चलते हैं प्रेरणा, आगे बहुत दूर जाना है पता है। मैं एक बात बताऊं? यस। जो भी है, धूप बहुत अच्छी लग रही है, देख रहे हैं। सब बंदों को कॉफी चाहिए होती है, सिर्फ तू ही अनोखा है, तेरी वजह से। उनको कॉफी नहीं, उनको सुसु करना था। यार तू यहाँ से। हर्ष को पता है ये अभी कौन सा लेक गया है? लेक प्रेरणा लेक। अबे लगान लगान भूल गया। बार बार हाँ कचरा बोलो यार। हाँ सुन यार, कॉफी हाउस आने वाला है, मैंने अभी बोर्ड देखा है साइड पे, प्लीज सब रोक लियो। चलो ठीक है डन, प्लीज सब रोक लियो। फ्रेशली ब्रूड कॉफी देने वाले वो। फाइनली कॉफी मिल गई भाई, बहुत ही ज्यादा अच्छी कॉफी थी, फ्रेशली ब्रूड थी। सबसे बड़ी बात 3.50 पाउंड्स लगे हमारे 350 रुपए, इतने की टेस्को वेस्को पे भी मिलती है। थोड़ी सी हमारा ना माइक नहीं चल रहा था एक्चुअली, वहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग करी और वापस आके देखा तो कनेक्टेड नहीं था। अभी ना मुझे गर्मी लगने लग गई है यार, ऑल ऑफ अ सडन मुझे गर्मी लगने लग गई है। हर्ष तेरे को लग रही है गर्मी? नहीं यार, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत धूप आ गई है। वैसे तो धूप बहुत अच्छी होती है, बट अब थोड़ी गर्मी लग रही है। वैसे सही बताऊं प्रेरणा, तू ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है बिल्कुल भी। क्यों, मैं क्यों नहीं हूं? कभी तेरे को भूख लगती, कभी प्यास, कभी तेरे को गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है, कभी वॉशरूम जाना होता है, कभी वॉशरूम जाना होता है। तो तू दूसरा पार्टनर ढूंढ ले। पार्टनर की बात, तू दूसरा पार्टनर ढूंढ ले, मैं तेरी टोपी उतार के फेंक दूंगी। तू दूसरा पार्टनर ढूंढ ले। यहां गाड़ी चलाते हो, डिस्टर्ब नहीं करते? एक और पिट स्टॉप ले लिया प्रेरणा जी ने, एक और जगह पे आके रुक गए हैं। बहुत ही सुंदर सा लेक और बहुत ही ज्यादा सुंदर सी चार्टर थी। और साइड हो जाओ क्योंकि यहाँ पे कैरेवन आ रही है। अच्छा, यहाँ कैरेवन पार्क्स बने हुए हैं बड़े अच्छे अच्छे अलग अलग से। अभी ना इंडिया में भी ये कैरेवन का कॉन्सेप्ट तो आ ही गया है, वो भी बड़ा मजेदार लगता है। हर सुबह से चलते हो, इतनी देर हो गई है, अभी प्यास लग गई है, वो कॉफी पीने के बाद मुंह मीठा मीठा हो गया। पानी तो पिला दे यार कम से कम। यार मैंने तेरे को दिखाया था ना साइड में लेक है, जंप मारती पी के आ जाती पानी। प्लीज पानी पिला दे। बड़ी दिक्कत है यार, ऐसे तो हम कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे प्रेरणा। कोई बात नहीं, थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे, बट मुझे प्यास लग रही है। ओके ओके प्रेरणा, पानी पिलाते हैं आप, 2 बाल्टी पानी। एक बॉटल से हो जाएगा मेरा काम। ओ सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये जो यूरोपियन नेशंस है ना, इनके अंदर आपको पानी टैप में से निकाल के भी पी सकते हो। तो टैप वाला पानी केटल में गरम करो और पी लो, आपको बाहर से पानी खरीदने की जरूरत नहीं है। वो 2-2, 3-3 पाउंड का बेचते हैं, 200-300 रुपए का पानी, फ्री की चीज है पानी यार। पैसे देके क्यों पीने, टैप से पियो सीधा गरम करके केटल में, बढ़िया एकदम, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, गूगल कर लो। कहाँ जा रहे हो? चलो भाई पेट्रोल डलवाए, गाड़ी को भी खिलाए पिलाए। जर्मनी में भी ऐसे डालना पड़ता था। आ गए हम सुपरमार्केट। फाइनली मैंने सोचा थोड़ी सी ग्रोसरीज उठा ले, अपने घर जा रहे हैं, नए घर। तो वहाँ पे प्रेरणा ने स्कॉटलैंड में एक नया घर भी ले लिया, अब उस नए घर में प्रेरणा खाना बना के खिलाएगी मुझे। आई एम एक्साइटेड। क्या क्या बना के खिलाएगी? पास्ता में भी। ओ यार जल्दी उठा जल्दी। मैंने स्वीट कॉर्न उठा लिए, सूप उठा लिए, टोमेटो सूप पी लेगी ना तू भी? हाँ हाँ। ये उठाना बासमती राइस, प्रेरणा तेरी फेवरेट। मैक्रोनी, अंडे भी ले ले यार, ब्रेड ऑमलेट। यार बंदे इतने अच्छे हैं, हमने यहाँ से सामान लिया, वो कह रहे हैं आगे जाके बहुत बड़ी सुपरमार्केट है, वहाँ से खरीद लेना। सीरियसली यार बताओ, ऐसे कौन होता है यार? दिल छू लिया है, यहाँ लगी ऑनेस्टी ऑनेस्टी। और यहाँ पे एक और डब्बा ग्रोसरीज का जा रहा है गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी ने हमारा आज बहुत साथ दिया यार। और ये ले कॉफी पी। तो फाइनली हम अपने घर पहुंच गए हैं, ये है हमारा नया घर। हम ये घर आज नहीं कल हाउस टूर देंगे, कल रिवील करेंगे।